हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सभी का स्वागत है क्लास में। गुड इवनिंग एवरीवन। सो दिस इज अर्पिता शर्मा क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट द लास्ट क्लास इन द इंटरनल सिक्योरिटी व्हिच इज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी क्रैश कोर्स में लास्ट क्लास है, जिसको हम बोलेंगे जो रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट से। दिस इज़ रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस, द सॉल्यूशंस, द इश्यूज इन डिजास्टर मैनेजमेंट दैट हैव अकर्ड सिंस द पास्ट। द PDF ऑफ दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज। टेलीग्राम चैनल पर क्लास का PDF अपलोड हो जाएगा सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज पर। And also you will be getting all the important resources notes on the same Telegram channel. The link is given below in the description box. Before we start the class, here's a small announcement related to UPSC CSE GS plus optional combo. And here Unacademy is providing biggest discount for UPSC CSE aspirants. So the link is given below in the description box. GS plus optional ka combo de rahe hain Unacademy. एंड ऑल्सो दी कॉम्बो ऑफ आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस ऑप्शनल। आइकॉनिक में क्या होता है, इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल कोच ऑल्सो। आपको यहाँ पर एक पर्सनल कोच भी मिलेगा हु विल गाइड यू राइट फ्रॉम प्रिलिम्स टिल इंटरव्यू। प्रिलिम्स से लेकर इंटरव्यू में आपको गाइडेंस मिलेगी पर्सनल कोच के द्वारा। पर्सनल कोच कैन बी द रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऑल्सो, एनी IRS IPS ऑफिसर हु इज एक्चुअली टेकिंग क्लासेज ऑन Unacademy प्लस, मृणाल पटेल सर, रोमन सैनी सर, एटसेट्रा। सो यू विल बी गेटिंग योर पर्सनल कोच एज वेल, प्लस मेन्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी ट्रैकर। आपको डिसिप्लिंड अप्रोच में स्ट्रैटेजी दी जाएगी, स्टडी ट्रैकर्स दिए जाएंगे, टाइम टेबल दिया जाएगा, एंड ऑल ऑफ दिस एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। एंड ओवर एंड अबव दिस डिस्काउंटेड प्राइस यू विल बी गेटिंग 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इफ़ यू यूज द कोड Sharma20 और Arpita10। इनमें से कोई भी कोड यूज करके आपको इजिली 10% डिस्काउंट मिल सकता है आपके कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड दीज सब्सक्रिप्शन आर गिवन फॉर 12 months, 24 months, 36 months। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022, 23, 24, यू कैन टेक दी सब्सक्रिप्शन राइट नाउ बिकॉज देन इन द फ्यूचर प्राइस माइट इंक्रीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन शुरू करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। Now, before we study disaster management, management means disaster management की जब हम बात करते हैं, what do you understand by management? Management means how do you manage things? Management का मतलब है आप कैसे manage करते हो चीजों को। Disaster management, how do you manage disaster? But before that, let us understand what exactly is disaster. उससे पहले ये समझ लेते हैं कि disaster का मतलब क्या होता है। What do you understand by the term disaster? ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टर्म डिजास्टर, डिजास्टर मींस डिसरप्शन। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, डिसरप्शन, एंड डिसरप्शन दैट टू ऑन अ मैसिव स्केल। ठीक है, एक बड़े स्केल पे, ऑन अ मैसिव, ऑन अ ह्यूज स्केल, लार्ज स्केल, व्हेन देयर इज अ डिसरप्शन दैट इज डिजास्टर। नाउ दिस डिसरप्शन कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस। ये डिसरप्शंस काफी रीजंस के वजह से हो सकता है। इट कैन बी नेचुरल डिसरप्शन ऑल्सो, इट कैन बी अ मैन मेड डिसरप्शन ऑल्सो। ठीक है, नेचुरल भी हो सकता है डिसरप्शन, मैन मेड भी हो सकता है, एंड इट कैन अकर इन टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स में अकर कर सकता है। फर्स्ट कैन बी लॉन्ग पीरियड डिसरप्शन, पहला हो सकता है आपका लॉन्ग पीरियड। सेकेंड कैन बी शॉर्ट पीरियड, फॉर एग्जाम्पल छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं तो वो शॉर्ट पीरियड हो जाएगा, सुनामी आ जाता है, फ्लड, साइक्लोन, लॉन्ग पीरियड हो जाएगा। ठीक है, एंड दीज डिसरप्शंस कैन बी मैनी, यू नो, इन मैनी फॉर्म्स दे कैन अकर। फॉर एग्जाम्पल ड्राउट, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स। ठीक है, दीज कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसरप्शंस। ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस डिसरप्शन वॉट हैपन्स, इस डिसरप्शन के दौरान होता क्या है, दैट दिस डिसरप्शन लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। Because of these disruptions, we see that there can be loss of life also, loss of property also, ठीक है, and also there can be ecological degradation also because of floods, because of droughts, there can be ecological degradation or disruption. इससे हमारी जो ecology है वो भी disrupt हो जाती है, yes, forest fire, okay? So countries on a global scale, they are trying to manage these disasters. See, disasters, if they are natural, they are not in our control. अगर disasters natural होते हैं वो हमारे control में नहीं होते हैं. Agreed, right? Some disasters, many disasters, natural disasters are not in human control. But what we can do is, we can mitigate. We can provide solution.
सो दैट आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर इज नॉट डेंजरस. हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे ये मेक श्योर हो सके कि डिजास्टर के बाद जो लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी हुआ है उसको हम कंट्रोल में ला सकें. ठीक है, हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रॉपर सोल्यूशन हो, प्रॉपर राशन हो जिससे लोगों को असुविधा कम से कम हो. ठीक है, वैसे तो बिल्कुल कम करना लॉस ऑफ लाइफ को वापस से इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता. इन केस द पीपल आर फेसिंग लॉस ऑफ लाइफ इट हैज़ नो सोल्यूशन, बट येस वी कैन हेल्प देम बाई वे ऑफ कॉम्पनसेशन. हम कॉम्पनसेशन के थ्रू उनको थोड़ी हेल्प करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं. सो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ यू नो मेड सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिएटेड सेवरल एसोसिएशंस इन ऑर्डर टू मिटिगेट द डिजास्टर्स. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? येस, टू मिनिमाइज द लॉस. ठीक है, चलो नाउ फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वॉट इज अ डिजास्टर. सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं फ्रॉम द प्रिलिम्स एंड मेंस जीएस पेपर 3's एस्पेक्ट वॉट इज डिजास्टर. ये डिजास्टर क्या है, वॉट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर. ठीक है, सो नाउ डिजास्टर इज डिफाइंड एज, राइट इट डाउन, इट इज डिफाइंड एज अ डिसरप्शन. इट्स अ डिसरप्शन विच हैपन्स ऑन ए मैसिव स्केल, जो कि काफी मैसिव स्केल पर, लार्ज स्केल पे, ह्यूज स्केल पर होता है. आइदर इट कैन बी नेचुरल, या तो ये नेचुरल हो सकता है, और इट कैन बी मैन मेड, और इट कैन बी मैन मेड. फॉर एग्जाम्पल द माइनिंग एक्टिविटीज, इफ यू क्रॉस द लिमिट्स इन द माइनिंग सेक्टर इट कैन रिजल्ट इन टू अर्थक्वेक ऑल्सो, राइट. सो माइनिंग जो आपके एक्सेसिव माइनिंग करते हो उससे भी डिजास्टर्स आते हैं. सो इट कैन बी नेचुरल ऑल्सो, येस, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑल्सो. इट कैन बी नेचुरल ऑल्सो, इट कैन बी मैन मेड ऑल्सो, अकरिंग, राइट इट डाउन, अकरिंग इन शॉर्ट, अकरिंग इन शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड्स, और इन लॉन्ग पीरियड्स. ठीक है, एंड दीज डिजास्टर्स, फर्दर वी विल राइट that these disasters can lead to, they can lead to human, material, economic or environmental hardships. ठीक है, तो इसका impact भी आपको लिखना है. You have to mention the impact also of these man-made or natural disasters. ठीक है, which can be beyond the bearable capacity of the पब्लिक ऑफ दी अफेक्टेड सोसाइटी. जो सोसाइटी अफेक्ट होती है उनके मैनेजेबल कैपेसिटी से ज्यादा भी हो सकता है डिजास्टर का इम्पैक्ट. ठीक है, एंड इट इज सेड दैट एज पर दी स्टैटिस्टिक्स इंडिया इज प्रोन टू 30 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स. अगर हम स्टैटिस्टिक्स की देखें तो भारत में कम से कम 30 से ऊपर डिजास्टर्स, कम से कम 30 डिजास्टर्स तो ऐसे हैं जो हम फेस करते हैं, जिसका फेस करने का खतरा है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां तक? नाउ वी कैन क्लासिफाई डिजास्टर्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. हम डिजास्टर्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. सो व्हाट आर दीज कैटेगरीज, लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट विल बी द वाटर एंड क्लाइमेट डिजास्टर. फर्स्ट कैटेगरी विल बी द वाटर एंड क्लाइमेट डिजास्टर. दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. ठीक है, नाउ हियर व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स. यहां पर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स कैन बी फ्लड्स. ठीक है, फ्लड्स एग्जाम्पल हो गए. एग्जाम्पल कैन बी कोल्ड वेव्स. कोल्ड वेव्स कैन बी द एग्जाम्पल. देन एग्जाम्पल कैन बी हरिकेन्स. ठीक है, हमारे पास हरिकेन्स एग्जाम्पल हो गए. देन द अनदर एग्जाम्पल कैन बी साइक्लोन्स. साइक्लोन्स हमारे एग्जाम्पल हो गए. ड्राउट्स हमारे एग्जाम्पल हो गए, बिकॉज इट इज अ क्लाइमेट बेस्ड डिजास्टर. ड्राउट हो गया एग्जाम्पल. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां तक? नेक्स्ट कैटेगरी आपका हो जाएगा जियोलॉजिकल डिजास्टर. ठीक है, ये हो जाएगा आपका जियोलॉजिकल डिजास्टर. नाउ हेयर वी विल हैव लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक्स. सो हेयर द एग्जाम्पल्स कैन बी, यहां पर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं. ठीक है, दीज कैन बी द एग्जाम्पल. देन वी हैव वॉल्केनिक इरप्शंस. ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस विल बी द एग्जाम्पल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी ओवर हेयर अर्थक्वेक्स. ठीक है, यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा अर्थक्वेक्स एंड टोर्नेडोज. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज बायोलॉजिकल डिजास्टर. जल्दी से एग्जाम्पल दो इसका. वॉट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर? हेयर द एग्जाम्पल कैन बी कैटल एपिडेमिक. जो आप कैटल एपिडेमिक देखते हो, कोरोना वायरस विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ. ठीक है, देन पेस्ट अटैक. ठीक है, जो आप पेस्ट अटैक देखते हो सोसाइटी में, वायरल एपिडेमिक्स. ठीक है, पैंडेमिक्स. येस, वेरी गुड. ठीक है, देन प्लाग. प्लाग भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा?
आपका बायोलॉजिकल डिजास्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज आफ्टर बायोलॉजिकल डिजास्टर वी हैव इंडस्ट्रियल डिजास्टर। गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जल्दी से एग्जाम्पल दें इंडस्ट्रियल डिजास्टर का। इट कैन बी इंडस्ट्रियल डिजास्टर, केमिकल एक्सीडेंट्स, ठीक है, फैक्ट्रीज में जो केमिकल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, देन वी हैव माइन शॉफ्ट फायर्स, जो माइन फायर्स होती हैं, ठीक है, ऑयल स्पिल्स आप देखते हो ओशंस में, ठीक है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ, येस, एक्सप्लोजन्स, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी फिफ्थ कैटेगरी ऑफ डिजास्टर, दैट इज न्यूक्लियर डिजास्टर। फिफ्थ कैटेगरी आती है न्यूक्लियर डिजास्टर की। नाउ हेयर वी हैव न्यूक्लियर मेल्टडाउन्स, रेडिएशन पॉइजनिंग एटसेट्रा कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर। सिक्स्थ कैटेगरी आती है मैन मेड डिजास्टर्स, इसके एग्जाम्पल दीजिए कॉमेंट सेक्शन में फटाफट से। गिव मी एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। इट कैन बी मैन मेड डिजास्टर्स, एग्जाम्पल कैन बी कोलैप्स ऑफ ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो कोलैप्स हो जाता है वो आ जाएगा आपका मैन मेड डिजास्टर में। फॉरेस्ट फायर्स कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ऑयल स्पिल एटसेट्रा, माइनिंग, दीज कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। टोटल हमारे पास छह कैटेगरी हैं जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है। वी हैव स्टडीड, यस, फायर इन द बिल्डिंग कैन ऑल्सो बी द एग्जाम्पल, ठीक है। सो दीज आर दी few examples which are which few categories which belong to disaster, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Let me know in the comment section how will you define disaster management. We have already understood the definition of disaster. Disaster management can be managing the disaster in a way that brings down the loss in the society. Society में जो भी loss हुआ है उसको नीचे ले आए अगर, उस मैनेजमेंट को हम डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लानिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंप्लीमेंटिंग मेजर्स, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द लॉस ड्यू टू द डिजास्टर, ठीक है। सो एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, इट डिफाइंस द डिजास्टर मैनेजमेंट एज इंटीग्रेटेड प्रोसेस। डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस of planning, it is a process of planning, ठीक है। second, it is a process of organizing, it is a process of organizing, it is a process of coordinating, planning, organizing, coordinating and implementing measures, ठीक है, which are necessary to prevent threat of any disaster, which are necessary to reduce the risk of any disaster, which is necessary to, you know, prepare the country to deal with any disaster, that is known as disaster management, उसको हम बोलते हैं disaster management. तो disaster management क्यों किया जाता है, why disaster management is done? First reason is for rescue and relief, because we do not have control on disasters, ठीक है, फ्यूचर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट येस, इफ इन केस देर इज एनी डिजास्टर इन अ नेशन, वी शुड बी रेडी विद द रेस्क्यू, यू नो, मिशंस, रेस्क्यू प्लान्स, ठीक है। सेकेंडली, फॉर प्रिपेयरिंग द नेशन फॉर एनी फ्यूचर थ्रेट। आपने देखा होगा बहुत स्कूल्स में, कॉलेजेस में ड्रिल्स भी करवाए जाते हैं। इन मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस डिजास्टर ड्रिल्स आर ऑल्सो कैरिड आउट। इन आर स्कूल्स ऑल्सो डिजास्टर ड्रिल्स यूज टू कैरी आउट द डिजास्टर ड्रिल्स। तो इसमें क्या होता है, दे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है कि अगर आग लग जाती है तो आप क्या करोगे, इफ देर इज एन अर्थक्वेक व्हाट यू विल डू, इफ देर इज अ फायर इन द स्कूल व्हाट आर यू गोइंग टू डू। दे यूज टू शो अस इन द ड्यूरिंग द ड्रिल्स, ठीक है, कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन at any case in the future all of a sudden a disaster strikes, ठीक है। so these are the, you can say, steps taken by the government in disaster management, ठीक है। point यहां तक clear हो रहा है सभी को? तो जब हम बात करते हैं disaster management की, we have studied what is a disaster, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है disaster क्या है। disaster is a massive scale, either natural or man-made, occurring in short or long periods of time, it's a disaster. And it is disaster management in India has been an important point because there are 30 plus disasters that have affected India.
30 तरीके के डिजास्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया को अभी तक इम्पैक्ट किया है, इसलिए हमें मैनेजमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस टू प्रिपेयर इंडिया एंड इट्स यू नो सिटीजन्स फॉर दी फ्यूचर डिजास्टर्स। सो अ डिजास्टर इज डिफाइंड एज अ डिसरप्शन। वी हैव स्टडीड दिस, वी हैव स्टडीड द कैटेगरीज ऑल्सो इन विच डिजास्टर्स हैव बीन डिवाइडेड। हमने कैटेगरीज भी पढ़ लिए हैं जिसमें डिजास्टर्स को डिवाइड किया गया है। नाउ लेट्स, वी हैव ऑल्सो स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एजेंसीज इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब समझते हैं एजेंसीज कौन सी इन्वॉल्व है डिजास्टर मैनेजमेंट में। फर्स्ट एजेंसी इज NDMA, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो NDMA, इसको ये जो बॉडी है ये टॉप मोस्ट बॉडी है। अब आपको पता होगा कि एपिक्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एपिक्स मीन्स टॉप मोस्ट बॉडी। ठीक है, एपिक्स मीन्स टॉप मोस्ट बॉडी। नाउ व्हेन आई से दैट सुप्रीम कोर्ट इज द एपिक्स कोर्ट इन इंडिया, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जब मैं बोलती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है इंडिया में, तो वॉट डज इट मीन, इट मीन्स इट्स अ टॉप मोस्ट बॉडी इन जुडिशरी, हमारे जुडिशरी में ये टॉप मोस्ट बॉडी है। ठीक है, सो NDMA इज ऑल्सो अ टॉप मोस्ट बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर सर्टन पॉइंट्स फॉर प्रिलिम्स दैट इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके हेड कौन है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स दैट इज NDRF विच इज डिप्लॉयड फॉर द रेस्क्यू एंड रिलीफ मेजर्स। ठीक है, कहीं भी डिजास्टर आता है तो उस केस में NDRF को डिप्लॉय किया जाता है। NDRF के जो जवान हैं, द सोल्जर्स ऑफ NDRF आर डिप्लॉयड फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क। राइट, नाउ दिस बॉडी डायरेक्ट्स कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द NDRF टास्क फोर्स एंड इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रिलिम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। सेकेंड इंपॉर्टेंट बॉडी इज नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, दैट इज NEC। Now, NEC is composed of high-profile ministerial members from Government of India. ठीक है, ministerial members like members of Department of Agriculture, member of Drinking Water Supply Ministry, member of Ministry of Environment and Forest, right? तो जितने भी हमारी key ministries हैं, ठीक है, उसके members NEC के executives हैं, NEC के members हैं, ठीक है, एंड दीज मेंबर्स दे फॉलो द एडवाइस एंड गाइडलाइंस ऑफ NDMA बिकॉज NDMA इज द टॉप मोस्ट बॉडी। तो इसी के गाइडलाइंस कौन फॉलो करता है, NEC फॉलो करती है। व्हेन इन केस फॉर एग्जांपल देर आर फ्लड्स, देर आर अर्थक्वेक्स और ड्राउट्स, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हैज बीन यू नो कॉज्ड ड्यू टू दैट डिजास्टर, इन दैट केस सेपरेट स्टेट वाइज NECs विल बी इन एक्शन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ NDMA। Then State Disaster Management Authority, Chief Minister of respective state is the head of the SDMA. ये point याद रखना है, NDMA head is Prime Minister, SDMA head is the Chief Minister of the state. ठीक है, then comes District Disaster Management Authority DDMA, it is headed by District Collector. District Collector कौन बनने वाला है आगे जाकर, जल्दी से बताएं, who is going to be the District Collector in the future? Okay, very good, सभी बोल रहे हैं me. Okay, very good. Yes, you are going to be the district collector. You will be heading the DDMA, that is District Disaster Management Authority. ठीक है, so district collector, deputy commissioner, district magistrate, DM, DC, ठीक है, तो ये बनने वाले हैं DDMA के head. ठीक है, it will be under you. ठीक है, and here you will be co-chairing the you know authority also along with your head, along with your seniors, and here in the districts, whatever steps, if the disaster occurs in a district, whatever steps that needs to be taken on the orders of NDMA, you are going to carry out those steps. आप लोग इन steps को carry out करने वाले हो. ठीक है, point clear. Then local authorities. अब लोकल अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें, लोकल अथॉरिटीज़ इंक्लूड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दिस इज़ फॉर द विलेज लेवल। ये विलेज लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए है, म्यूनसिपैलिटीज़, देन योर कंटोनमेंट जोन्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लीगल अरेंजमेंट बोर्ड्स, दीज आर दी स्मॉल बॉडीज विच आर गोइंग टू लुक आफ्टर द डिजास्टर मैनेजमेंट इन द रूरल एरियाज, इन द विलेज एरियाज। पॉइंट क्लियर, ये सारे आपको एजेंसीज समझ आ गए, ठीक है, ऑल द एजेंसीज आर क्लियर। सो नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द कॉजेज फॉर अकरेंस ऑफ डिजास्टर। अब ये डिजास्टर्स आते क्यों हैं, इसके काफ़ी कारण हैं, देर आर मेनी रीजन्स, बट लेटली द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी लेटली अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रीजन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन।
बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज विच यू नो दे आर ऑब्सेसिवली फोकसिंग ऑन एस्टैब्लिशिंग दीज इंडस्ट्रीज इट हैज़ रिजल्टेड इन टू वार्मिंग ऑफ द अर्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑल्सो वाटर पॉल्यूशन राइट एयर पॉल्यूशन अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन भी है जिस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स को लाने में मददगार साबित हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन ऑफ नेचुरल वर्किंग ऑफ द इन्वायरमेंट राइट द डिजास्टर्स कैन बी सीन वेरी फ्रीक्वेंटली इन इंडिया अभी पिछले हफ्ते ही दिल्ली में एक बहुत हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक भी आया था लास्ट वीक इन दिल्ली देर वॉज अ वेरी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक ऑल्सो right all these things are happening because of the excessive utilization of natural resources and polluting the natural resources environmental degradation deforestation you all know when rain occurs the trees their roots they can hold the water into the soil right but when there are no trees what happens flood like situations can occur jab ped nahi hote to kya hota hai flood like situation hota hai excessive rainfall ke dauran ped kya karte hain unki jade barish ke pani ko टाइटली पकड़ लेती हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं बट जब पेड़ ही नहीं होंगे तो टॉप सॉइल लूज हो जाएगा बिकॉज ऑफ विच रन ऑफ होगा वाटर का देयर विल बी रन ऑफ ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप सॉइल बिकॉज ऑफ विच द फ्लड लाइक कंडीशंस दे कैन अकर राइट प्लस इट ऑल्सो लोअर्स डाउन द यू कैन से यू नो द न्यूट्रेंट कॉन्टेंट ऑफ द सॉइल सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लाइक सॉइल इरोजन रिमूवल ऑफ ट्रीज डिफॉरेस्टेशन एक्सपेंशन ऑफ फ्लड प्लेन एरिया इन अपर एंड मिडल कोर्स ऑफ रिवर्स बिकॉज ऑफ दिस the environment the ecology also gets disrupted because of which natural disasters they frequently occur planet earth then comes developmental process what is developmental process urbanization excessive urbanization har jagah aap urbanization ko badhava de rahe ho jisse kya ho raha hai aapka jo land use hai wo land exploit ho rahe hain infrastructure excessive development of infrastructure is not leaving any place for the natural habitat of animals and birds plus it is destroying the forest also natural resources also pressure on natural resources is increasing natural resource pe jo pressure hai wo bhi increase होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ठीक है सो दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस व्हाई नेचुरल डिजास्टर्स और द मैनमेड डिजास्टर्स दे लीड टू डिसरप्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इवन द ह्यूमन लाइफ देन पॉलिटिकल इश्यूज फॉर एग्जांपल वॉर्स ठीक है द मोस्ट नंबर ऑफ डिजास्टर्स कुड बी सीन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स के दौरान आपने देखा होगा कितना हाई लेवल डिजास्टर हुआ था सीरियन सिविल वॉर राइट द हिरोशिमा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इट डिस्ट्रॉयड वन होल जनरेशन पूरी एक जनरेशन ही डिस्ट्रॉय करके रख दी थी हिरोशिमा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ने ठीक है सो दीज आर दी पॉलिटिकल इशूज नाउ इन देयर पॉलिटिकल फाइट दे डू नॉट केयर अबाउट दी नॉर्मल सिटीजन्स द ग्लोबल सिटीजन्स जिनकी कोई गलती नहीं है द इनोसेंट सिटीजन्स हु आर नॉट एट फॉल्ट पीपल बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल इशूज दे फॉरगेट अबाउट द सिटीजन्स एंड बिकॉज ऑफ विच वन होल कंप्लीट जनरेशन गेट्स वाइप्ड ऑफ अभी भी आप देखोगे वहां तो बच्चे जो नई प्रोजनी पैदा हुई है उनके अंदर नेचुरल डिफेक्ट्स आ रहे हैं बॉडीली डिफेक्ट्स आ रहे हैं ठीक है तो पूरी एक जनरेशन को खत्म कर दिया इस हिरोशिमा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ने ठीक है सो दीज आर दी अकरेंसेस ऑफ डिजास्टर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर सो इट इज नॉट जस्ट ह्यूमन लेवल इम्पैक्ट इज नॉट फिजिकल इम्पैक्ट इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट वेन यू नो create disasters during the political wars etc you also bring down the economy of that nation jab aap wars mein indulge karte ho jab aap deforestation kar rahe ho us case mein kya hota hai economic loss bhi hota hai because then you have to implement other solutions other technological advancements you have to bring in order to hold the water ठीक है सॉइल लूज हो जाती है जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो तो उस सॉइल में वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल मदद लेनी पड़ती है जिससे आपका इकोनॉमिक लॉस भी होता है राइट देन इट्स यू आर ऑल्सो ऑल्टरिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ विच द हैबिटेट लॉस कैन बी सीन इन केस ऑफ मेनी प्लांट स्पीशीज एंड एनिमल स्पीशीज आपने देखा होगा कितने ही शेर कितने ही टाइगर्स लायंस अर्बन एरियाज में एंटर कर रहे हैं You must have heard those news in the newspaper that a tiger was spotted in a city, a lion was spotted in a city, a huge snake was spotted in a city. Why? Because they are facing loss of habitat because of deforestation. क्योंकि वो लोग अपना जो घर है नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको डिफॉरेस्टेशन के कारण अर्बनाइजेशन के कारण खो रहे हैं तो कहाँ जाएंगे बाहर निकलेंगे they will come out. ठीक है in place of food, in place of a place to live, right? So now
after natural disasters, food and other natural resources like water, it also is becoming scarce. For example, in Rajasthan, high level of water scarcity can be seen in Rajasthan. In some areas of Maharashtra, high level of water scarcity can be seen. Water and food scarcity are also the reasons why our economy is also going down. हमारी economy भी अभी stagnant क्यों है? क्योंकि जो हम water और food scarcity देखते हैं, ये भी contribution करते हैं हमारी economy के नीचे आने में. ठीक है, बिकॉज ऑफ वाटर एंड फूड स्कार्सिटी देर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल ऑल्सो विच इंक्रीजेज द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी अमंग दी सोसाइटीज. ठीक है, सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स. ये डिजास्टर्स के इम्पैक्ट है. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें, वी लुक एट दी एग्जाम्पल्स. कोरिंगा साइक्लोन केम इन 1839 इन कैलकटा इन आंध्र प्रदेश, राइट. कैलकटा साइक्लोन केम इन 1737. देन द ग्रेट फेमाइन 1876-1878 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमने ग्रेट फेमाइन देखा था, ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव थिंग अबाउट ग्रेट फेमाइन वॉज इन्वायरमेंटली, यू नो, लाइवलीहुड वाइज इट वॉज अ बिग शॉक फॉर अस. बट ब्रिटिशर्स इन दैट ग्रेट फेमाइन ऑल्सो वर नॉट स्टॉपिंग देमसेल्व्स, वर नॉट कंट्रोलिंग देमसेल्व्स फ्रॉम कलेक्टिंग टैक्सेस. ग्रेट फेमाइन के दौरान भी कुछ 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी. सम अराउंड 3 करोड़ पीपल डाइड, बट स्टिल द ब्रिटिशर्स वर नॉट getting one step out, or one step, they were not taking one step back in collecting the taxes. Tax to tab bhi collect kiye the. Theek hai, so this was one of the most worst natural calamities. 3 crore logo ki jaan gayi thi is dauran. Theek hai, point clear ho raha hai sabko. Then Odisha super cyclone, theek hai, aur Paradeep cyclone in 1999, गुजरात अर्थक्वेक ऑफ 2001, इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004, कश्मीर फ्लड्स, उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स 2013. सो दीज आर दी नेचुरल डिजास्टर्स विच हैव अकर्ड एंड इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ एट अ वेरी लार्ज स्केल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट समझते हैं, ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट. So when we talk about Disaster Management Act, it was also invoked during COVID-19 pandemic also. COVID-19 pandemic jo hai, according to government, it is the first pan-India biological disaster. It has been also recognized by WHO. WHO ne bhi isko recognize kiya hai ki COVID-19 jo hai, wo pehla all India biological disaster hai. India ne bhi ye recognize kiya hai. It's a biological disaster. ठीक है, and pan means all. ठीक है, pan का मतलब होता है all. So pan India means all India. And the current lockdown, which was imposed few months back, was imposed under the DMA 2005. जो हमारा lockdown लगा था वो DMA 2005 के तहत लगा था. ठीक है, point clear. अब now you must have heard this news that today also it was in the newspaper that 6 people have been identified with the coronavirus's new strain. They came from Britain. Britain से आए थे and they have tested positive and it is found that the new strain has entered even India. Coronavirus का जो नया strain है वो भारत में भी आ चुका है. ठीक है, in Pune, Hyderabad, people have been quarantined. उनको separate कर दिया गया है, segregate कर दिया गया है. So this issue which is going on right now, it is beyond management. But still we are trying our best to isolate people. We are trying our best to, you know, undertake certain safeguard, certain measures to protect the other people. ये जो situation है वो DM Act के, आप बोल सकते हो, boundaries से भी थोड़ी परे है. तो इसमें नए नए reforms इस act में लाए जाएंगे. Government is also saying that they are going to bring new reforms, new amendments, new provisions in the DM Act of 2005. Because COVID-19 situation is not an old situation, it's a new kind of challenge for us. हमारे लिए एक नए तरीके का challenge है ये. ठीक है, एंड इन दिस चैलेंज वी हैव टू सेफगार्ड द सोसाइटी ऑल्सो, वी हैव टू सेफगार्ड द पीपल ऑल्सो. पॉइंट क्लियर. सो वॉट इज डीएम एक्ट 2005 विच वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन. इट केम इन टू फोर्स इन 2006 एंड द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू. दैट मीन्स फॉर मैनेजिंग द डिजास्टर्स, वॉट एवर स्टेप्स वी आर गोइंग टू टेक, वी शुड टेक दैम. ये एक्ट वो स्टेप्स बताता है कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या स्टेप्स आप ले सकते हो. द एक्ट कॉल्स फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. कौन उसके हेड होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे. सो ड्यूरिंग लॉकडाउन यू मस्ट हैव सीन दैट नरेंद्र मोदी जी एवरी डे यूज टू केम, यू नो, थ्रू द न्यूज चैनल्स टू
provide us the measures, to provide us the regulations, how we need to conduct ourselves during the lockdown. आपने देखा होगा lockdown के दौरान हर दूसरे दिन मोदी जी आ जाया करते थे news में, ठीक है, और हमें steps बताया करते थे क्या क्या करना है. Why it used to happen? Because he is the head of NDMA. And as per DM Act 2005, which was applicable during the lockdown, it was his duty. It was his duty, it was his, you can say, role to come out in public and to mention the steps, regulations, measures which the public should undertake. Right? तो उनको हमें caution देने का, warn करने का role है, उनकी duty है NDMA के तहत. ठीक है, इसलिए वो हर दिन आकर हमें guidelines देते थे. The act enjoins central government to constitute a national executive committee. Now this under NDMA, you will be forming NEC. Why? To help the national authority. NDMA को help करने के लिए, implementation में help करने के लिए NEC को तैयार करना पड़ेगा. And all the state governments also will be mandated to establish state, you know, the disaster management authority. So in various states in India during the lockdown, SDMA was operational. लॉकडाउन के दौरान जितने भी स्टेट्स थे इंडिया में, सभी जगह, ठीक है, आपने देखा होगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्टिव हो चुकी थी, ऑपरेशनल हो चुकी थी. राइट, पॉइंट क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को तो जल्दी से बताएं. ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेजेस. ऑल ऑफ अ सडन यू कैन नॉट मैनेज अ डिजास्टर. आप ऑल ऑफ अ सडन डिजास्टर मैनेज नहीं कर सकते हो. देयर आर स्टेजेस इन विच यू हैव टू मैनेज द डिजास्टर्स. ओके, सो देयर आर थ्री स्टेजेस. फर्स्ट इज बिफोर द डिजास्टर. Before the disaster means when we come to know about the potentiality of the disaster. That means जब हमें पता चल जाता है कि आने वाला है disaster. ठीक है, जैसे कि हमें पता चल गया था कि चाइना में कुछ unknown, you know, बीमारी है जो फैल रही है. Before COVID-19 was recognized, we knew, all the newspapers were reporting this, that there is some unknown, you know, virus which is spreading in China. Right? सभी को पता है ये बात. In the month of Jan 2020, December 25 से ही शुरू हो गया था. From December 25, 2019 only, we were aware of the fact that China is facing something. China में कुछ तो हो रहा है. That was a phase before disaster. So to reduce the potential for human, material or environmental losses caused by hazards and to ensure that these losses are minimized when disaster strikes. ठीक है, तो हियर वी नो दैट WHO has admitted that they knew about this kind of virus which was originating in China. China में इस तरीके का जो वायरस ओरिजिनेट हो रहा है, WHO को पहले से खबर थी. बट अब यू नो यू कैन से एन एडवाइजरी वॉज नॉट इशूड फॉर ऑल दी अदर नेशंस इन द वर्ल्ड. WHO ने वही गलती कर दी. ओवर देयर ओनली WHO एंड चाइना ऑल्सो डिड अ मिस्टेक ऑफ नॉट इन्फॉर्मिंग एवरीबडी अबाउट दिस यू नो वायरस. नहीं तो पहले से ही बॉर्डर्स को सील करने की बात शुरू हो जाती. बट दे डिड नॉट डू सो, दे डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन. सो दैट वॉज यू कैन से अ मिस फ्रॉम देयर पार्ट. सो बिफोर अ डिजास्टर, इफ वी गेट टू नो अबाउट द डिजास्टर, वी नीड टू स्टार्ट द गाइडलाइंस, स्टार्ट इन्फोर्सिंग द गाइडलाइंस ड्यूरिंग अ डिजास्टर. सो ड्यूरिंग द डिजास्टर वॉट वॉज हैपनिंग इन इंडिया, वी वर इन्फोर्सिंग लॉकडाउन्स, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वॉज पास्ड, राइट? तो यहां पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट वॉज पास्ड, राइट? इट वॉज बींग इम्प्लीमेंटेड. सो ड्यूरिंग अ डिजास्टर टू इंश्योर दैट नीड्स एंड प्रोविजन ऑफ विक्टम्स आर मेट. फॉर एग्जाम्पल आइसोलेशन वार्ड्स वर क्रिएटेड, ठीक है, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा था. देन सैनिटाइजेशन वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, हर जगह सैनिटाइज किया जा रहा था. पीपी किट्स वर यूज्ड, पीपी किट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड डिप्लॉयड. देन मास्क एंड सैनिटाइजर्स वर बींग यू नो सप्लाइड इन द सोसाइटी. सो दीज आर द ड्यूरिंग स्टेप्स विच आर टेकन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ड्यूरिंग द डिजास्टर. येस, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स वर इंक्रीज्ड. देन कमिंग ऑन आफ्टर द डिजास्टर. अब देखो, एक बार ये COVID-19 खत्म होगा, वैक्सीन इज ऑल्सो गेटिंग डेवलप्ड नाउ. वंस द डिजास्टर विल एंड, दैट इट विल एंड, वी आर बींग पॉजिटिव अबाउट इट. खत्म तो होगा ही होगा, किसी ना किसी दिन इससे भी बचाव आ ही जाएगा. खत्म इन द सेंस इट विल नॉट गो अवे, बट येस सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स विल कम टू सेव गार्ड अस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजास्टर. सो आफ्टर द डिजास्टर वी हैव रिलीफ कंडीशंस. हमारे पास रिलीफ कंडीशंस होते हैं, रेस्क्यू कंडीशंस होते हैं. इन दिस केस ऑफ COVID-19 वी विल लुक अबाउट द डेवलपिंग और डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज ड्यूरिंग द डिजास्टर वी हैव कम टू नो दैट इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड. हमें पता चला है कि अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बढ़िया नहीं है. लूप होल्स पता चले हैं, वी हैव कम टू नो अबाउट द लूप होल्स. सो आफ्टर द डिजास्टर वॉट विल हैपन, इसके बाद हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू रीबिल्ड अवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ बेटर वे, इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर. ठीक है, सो वी विल टेक दो स्टेप्स विच विल बूस्ट अप आर रिकवरी ऑल्सो एंड ऑल्सो आर इंफ्रास्ट्रक्चर आर इकोनॉमी ऑल्सो. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल. दीज आर द डिफरेंट फेजेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट.
ये आपके डिफरेंट फेजेस आप देख सकते हो, मिटिगेशन, प्रेपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, देन इमरजेंसी, रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन. सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ओवर हेयर यू कैन सी. अब आप देखोगे मिटिगेशन में हम देखते हैं वॉट इज मिटिगेशन, वेन वी प्रिपेयर द पीपल टू फाइट विद द डिजास्टर. फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर प्रिवेंशन ड्रिल्स दैट आर कंडक्टेड इन कॉलेजेस, इन स्टेट्स, इन विलेजेस, इन स्कूल्स, ठीक है, दैट इज मिटिगेशन. देन इमरजेंसी रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल द इवैक्यूएशन प्रोसेस, अगर मान लो कहीं फ्लड आ जाते हैं तो हम अपने जवानों को भेजते हैं, हेलीकॉप्टर्स को भेजते हैं लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए. वी सेंटर यू नो द हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो, द सोल्जर्स ऑल्सो. वाई? टू रेस्क्यू पीपल, टू इवैक्यूएट देम, राइट. देन रिकवरी. नाउ आफ्टर रिकवरी वॉट हैपन्स, इन द रिकवरी फेज वॉट हैपन्स, वी लर्न लेसन्स फ्रॉम द डिजास्टर. हमें पता चलता है, वी लुक एट आर ओन लूप होल्स, आर ओन फॉल्ट्स, टू फाइट विद द डिजास्टर नेक्स्ट टाइम इन अ बेटर वे. देन वी रिकंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स ऑल्सो विच वर डिस्ट्रॉयड बाय द डिजास्टर्स, ठीक है. एंड देन प्रिवेंशन, दैट मीन्स वी यू नो पुट इन फोर्स सर्टन स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, और वी यू नो बिल्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, वी स्ट्रेंथन आर यू नो कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स. देन वी ऑल्सो इम्प्लीमेंट द लैंड यूज रेगुलेशन, एम्बैंकमेंट, स्टोरेज फैसिलिटी एटसेट्रा, इन ऑर्डर टू बी मोर स्ट्रांगली प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर डिजास्टर, ताकि ऐसा ना हो फ्यूचर में वो डिजास्टर फिर से आए और हम फिर से डर जाएं, ठीक है. टू मेक श्योर दैट वी आर स्ट्रांग इनफ टू फेस द डिजास्टर अगैन इन द फ्यूचर, प्रिवेंशन टेक्स प्लेस, ठीक है. एंड वी ऑल नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हम सबको पता है प्रिवेंशन जो है वो क्योर से ज्यादा बेटर होता है, ठीक है. एंड हेयर ऑल्सो यूजिंग मास्क एंड सैनिटाइजर्स इज द प्रिवेंशन, इट इज बेटर देन द क्योर. भाई वहां तक आप पहुंचो ही नहीं, उससे पहले अपने आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो. वॉश योर हैंड्स, देन डू नॉट अवॉइड द सोशल कॉन्टैक्ट, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल्स, राइट, एट अ क्लोज डिस्टेंस. दूर से बात करो खड़े होकर, बिल्कुल पास से बात नहीं करनी. ट्राई टू वियर मास्क वेन यू स्टेप आउट, कैरी योर सैनिटाइजर्स विद योर सेल्फ, राइट, अपने सैनिटाइजर अपने साथ लेकर जाओ. डू नॉट टच दी सर्फेसिस वेन यू स्टेप आउट, ठीक है. और अगर आप टच कर भी रहे हो लिफ्ट्स वगैरह, तो अपने आप को सैनिटाइज करते रहो अपने हाथों को. सो दीज आर द स्टेप्स इन द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल. ये जो स्टेप्स हैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के स्टेप्स हैं, ठीक है. पॉइंट क्लियर? सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट. ऑल्सो एज यू आर ऑल अवेयर, अन अकेडमी प्लस ने कॉम्बो लॉन्च किया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर डाउट्स. ऑल्सो दिस इज द कॉम्बो, ठीक है, दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अन अकेडमी प्लस. सो यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन इफ यू यूज दिस कोड शर्मा20 और अर्पिता10. कोई भी एक कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है. सो दीज आर दी बैचेस दैट हैव बीन लॉन्च्ड. कॉम्बो है GS का प्लस ऑप्शनल का. आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं. आई एम स्टार्टिंग दी हिस्ट्री सेशंस. मैं हिस्ट्री सेशन स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ठीक है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. सो आई विल बी मीटिंग यू ऑल इन द प्लस क्लासेस नेक्स्ट मंथ. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन. इट वॉज ग्रेट टीचिंग यू ऑल.